अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज का सबसे बड़ा मसला हेयर फॉल है जी, बिकॉज अब तो यंग लड़कियों के भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा मसला है कि उनके बाल वीक हो गए हैं, गिर गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर डाई करती हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं या कर्लिंग आयरन, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। पिछले एक अरसे से मुझे भी बहुत ज़्यादा मसला था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग गए थे, टूटने लग गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेयर डाई यूज़ कर रही थी, स्ट्रेटनर यूज़ कर रही थी। सो अगर आपको भी ये मसला है तो आज की जो रेसिपी है वो आपके लिए ज़बरदस्त है, बिकॉज इस रेसिपी से आपके बाल थिक, स्ट्रांग और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। बल्कि जिनके बाल गिर चुके हैं या जिन इवन मर्द हजरात जिनमें गंजापन है, अगर वो ये लगाएं मास्क, तो उनके बाल भी दोबारा आ सकते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई हाई फाई हेयर मास्क लेने की जरूरत नहीं है, आप घर की चीजों से बहुत जबरदस्त हेयर मास्क बना सकते हैं। सो उसके लिए आपको इस तरह का दरमियाना प्याज चाहिए और एक पोटैटो आलू चाहिए इस साइज का, आपको सिर्फ हनी चाहिए और 1 egg चाहिए। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि प्याज को आपने इस तरह चॉप कर लेना है, मोटा मोटा काट लेना है, और आपने अपने पोटैटो को भी इस तरह मोटा मोटा काट लेना है, ठीक है। और फिर हमने इन पोटैटो और इस अनियन को ग्राइंडर में अच्छी तरह क्रश कर लेना है, ब्लेंड कर लेना कि इसकी ग्रेवी सी बन जाए, ठीक है। सो अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। सो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये देखें, ये कुछ इस तरह से ग्राइंड करके हो जाता है। इसमें तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ग्राइंड इजीली हो सके। ग्राइंड करने के बाद अब आपने इसको छानी से छान लेना है, इसको स्टेन कर लेना है, इसको इस तरह के स्टेनर में आप इसको स्टेन कर लें, यूं रख के हम इसको आपने इसको यूं यूं करके इसका पानी निकालना है, जो बेसिकली हमें इसका पानी चाहिए अनियन का और पोटैटो का, जो ऊपर से इसका ये चीज है ये हमें नहीं चाहिए, जो भुरभुरा सा होता है। इसको यूं प्रेस करें अच्छे तरीके से, इस तरह अच्छे तरीके से इसका। सो ये देखिए, हमने छान लिया है और ये हमारे अनियन और पोटैटो का पानी है। सो अनियन में सल्फर होता है जो हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है और हमें हेयर लॉस को कम करता है। और ये जो पोटैटो में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे हेयर जो स्कैल्प होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे नए हेयर उगते हैं। इसके अलावा हेयर लॉस, हेयर डैमेज और इन चीज को भी ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon हनी। सो मैं इसमें डालूंगी 1 tablespoon हनी और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। सो ये मिक्स हो गया, मैं स्पून साथ साथ हिलाते जाना है ताकि ये जो है ना हनी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 egg। आप अगर एग को पहले से बीट करके इसमें डालें तो अच्छा है, लेकिन मैं इसमें डालने के बाद बीट कर रही हूँ, आप डालने के बाद भी बीट कर सकते हैं, तो इट डजंट मैटर। सब देखिए इसमें एग डाल दिया, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा मिक्सचर एक जान हो जाए। सो एग के अंदर प्रोटीन होता है जो कि बहुत अच्छा नेचुरल कंडीशनर है, जो बालों को एक शाइनी और लंबा और घना करता है। और इसके अलावा जो हनी है, हनी भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, वो तो खैर कमाली चीज है हनी। तो इस मास्क को आपको ने कैसे लगाना है कि आपने इसको हाथों से अपने स्कैल्प पे लगाना है, सारे सर की स्कैल्प पे। इसके बाद आपने अपने बालों पे ऊपर से लेकर नीचे तक सब बालों पे आपने लगाना है, और लगाने के बाद 1 घंटा छोड़ देना है। 1 घंटा छोड़ने के बाद आप इसको बाद में किसी भी शैम्पू से अच्छी तरह वॉश कर लें, कंडीशनर लगाना चाहें तो कंडीशनर लगा लें, कंडीशनर ना भी लगाएं तो भी आपका चल जाएगा, बिकॉज ये इसमें एग है, इसमें हनी है, जो कि आपका नेचुरल कंडीशनर है। आपके बाल इंतहाई स्मूथ और सॉफ्ट और थिक हो जाएंगे। और आप इस मास्क को जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, अगर आप इसको 10 दिन तक डेली सर पे लगाएंगे तो आपको फौरन आपके बालों में चेंजिंग महसूस होगी कि आपके बाल गिरना बंद हो गए हैं, आपके बाल स्ट्रांग हो गए हैं, जब आप ब्रश करेंगे आपके बाल बिल्कुल नहीं गिरेंगे। लेकिन उसके बाद आप हर हफ्ते 2 दफा इस मास्क को जरूर ट्राई करें, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 time ट्राई कर लें, लेकिन आपने इसको हफ्ते में एक बार जरूर लगाना है, ठीक है। सो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे वापस आके कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मुझे अपने दुआओं में याद रखें। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है,
आपको लाई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।